हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे वहाँ सेफ होंगे। और आज मैं छत पे ही सारा दिन रही हूँ। आज मेरे छत पे बहुत काम थे तो यहाँ पर मैंने सारी दालें अपनी फैला रखी थी, जो धूप दिखाना था सीलन टाइप में लग गए थे। और एक बंदर जो बहुत परेशान है, उसको बचाना पड़ा पूरी दोपहर बैठ कर। तो मैं दिखाती हूँ, दालें फैला के रखी थी और शाम के बज रहे हैं 4। मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। ये देखिए, यहाँ पे दाल मैंने फैला रखी है। ये है मसूर की दाल, ये है उड़द की दाल, हरे उड़द की, वो भी हरे उड़द की, ये चने की दाल है। ये दोपहर से मैंने यहाँ पर फैलाया था, जब धूप निकली तब से मैं इसको बचा रही हूँ, क्योंकि बंदर बहुत परेशान करके रखा है। और यहीं पे सब कपड़े उपड़े मैंने अपने धुले, सारे कपड़े फैला रखे हैं। और चलो दिखाती है। और मैं जब यहाँ दाल फैला के बैठी थी, इसको सुखा रही थी, तो मेरे पास कोई काम नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, बच्चे क्लास कर रहे थे। तो मैं ये सामने घर बनना है तो मैं इसके ईंटे बैठे गिन रही थी, मिस्त्री लगा रहा था, मैं उसको गिन रही थी, देख रही कि इसने कितने ईंटे कितनी देर में लगाए हैं। तो इसी में मैंने टाइम पास किया दोपहर में पूरा। अब बज रहे हैं 4, चलती हूँ दाल सब बटोरूँगी और सब इसको साफ करके डिब्बे में डालूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे और देखिए। तो मैं आज की बताता हूँ ना, मैं टाइम यहाँ मेरा नहीं पास हो रहा था, तो मैं सामने जो अभी घर दिखाया है तो मिस्त्री वहाँ बना रहा, तो मैं उसके बैठे ईंटे गिन रही थी किसने कितने ईंटे कैसे लगाए। इससे मेरा टाइम भी पास हो गया और बंदर से मैंने अपनी सारी दालें बचा ली। बंदर बहुत परेशान करता है, खाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये क्या है, वहीं पे कहो टॉयलेट भी कर दे, लैट्रिन भी कर दे, इसलिए बचाना पड़ता है। चलिए मैं साफ करती हूँ अपनी सारी दालें, पहले इसको समेट लेती हूँ फिर साफ करूँगी।
थे उनको छोटे छोटे पीस काट लिए। अब इनको मैं फटाफट फ्राई कर दूंगी, सब लोग चाय के साथ इसको खाएंगे। सिलेंडर खत्म हो गया। और ये देखो मैंने कढ़ाई चढ़ाई तो देखा बोतल में तेल खत्म हो गया। जब मैंने तेल भरा और कढ़ाई चढ़ाई तो गैस खत्म हो गई। देखो छोटे मियाँ जुटे हैं, खोल लिया। बड़ी देर से प्रयास कर रहे थे सिलेंडर का ढक्कन खोलने के लिए, लेकिन खोल नहीं पा रहे थे। तो चलिए मैं पहले सिलेंडर बदल लेती हूँ, फिर ये तड़का भगाड़ा लगाती हूँ। और देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, टमाटर भी काट लिया है और ये सब तैयारी कर ली है। कढ़ाई चढ़ाया तो देखा बोतल में तेल ख़त्म, तेल भरा तो जैसे कढ़ाई चढ़ाई सिलेंडर ख़त्म हो गया। सिलेंडर लगा के फिट किया है और सब कंप्लीट हो गया। अब मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ाई। देखिए ये देखिए मैंने रोटी दाल साफ़ कर दी है। साफ करके ये गलती से दोनों दालें एक में मिक्स हो गई। ये मसूर की दाल मैंने साफ कर दी पूरी है। ये सब दालें मेरी साफ हो गई। चने की भी सूखी नहीं, उसको ऐसे भर के रख दिया, कल फिर सुखाऊंगी। और कल बारी है सरसों की, कल सुबह धूप होगी तो सरसों धुलेगी। ये सब दालें साफ हो गई, इनको बंद करके मैं रख देती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और ऊपर के मेरा सारा काम निपट गया है, सारी मैंने दाल समेट के रख दी, दाल भी साफ कर ली थी। और ये दोनों दाल मिक्स हो गई गलती से, उड़द और उसकी। मैं चल रही हूँ नीचे, नीचे का थोड़ा काम देखूंगी। इसमें डाल दिया मैंने टमाटर, इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, फिर टमाटर जल जाएंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया और थोड़ी सी हींग वाले में ये बहुत सही रहती है। इसमें डाल दूंगी जीरा और ये आलू काट के रखूंगी। और इसमें डाल दिए मैंने, इसको मैं भूल ले रही हूँ। और उसी टाइम लोगों ने चाय और फ्राक खाया था, किसी को भूने थे तो मैंने बना ली है सबके लिए के कटोरी सेवई। और रात का डिनर यही सेवई हो जाएगा मीठे में कुछ। यहाँ पे अपने लिए गर्म कर रही हूँ पानी, किचन मैंने पूरा साफ कर दिया है। तो सबने शाम के टाइम वो ये 6 बजे लमसम में फरा और चाय सबने खा ली, तो किसी को भूख नहीं दी, तो हमने कहा चलो सबके लिए थोड़ी थोड़ी सेवैयाँ बना देती हूँ।
सबको एक एक कटोरी सेवई दे दी है और किचन मेरा पूरा क्लीन हो चुका है और अपने लिए गर्म कर लिया है पानी, पीऊँगी। आप लोग भी खाकर सोने चलते होंगे, सोच रहे होंगे, हम लोग भी सब लोग खा पी के भी सोने के लिए सोच रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।